गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो यू हैड सीन दैट आई कंप्लीटेड द चैप्टर 1. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 नेम पुलस्य आचारः. यू नो व्हाट इज पुलस्य आचारः? कुल किसको बोलते हैं? कुल मतलब परिवार, फैमिली, और आचार का मतलब होता है व्यवहार, जो हम लोग बिहेव करते हैं, बिहेवियर, योर बिहेवियर इन योर फैमिली. और ये बिहेवियर जो परिवार में होता है, जो भी रीति रिवाज होती है, वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती जाती है और उसको हम लोग फॉलो करते हैं, तो वो एक ट्रेडिशन बन जाता है. वही रीति रिवाज बन जाती है, ट्रेडिशन बन जाता है कि मेरे पापा ऐसे करते थे, मेरे दादाजी ऐसे करते थे, तो दादाजी के भी पापा ऐसे करते थे, तो उनको फॉलो किया, दादाजी ने उनको फॉलो किया, पापा ने, फिर अब आपकी बारी आ गई. तो इसी तरह की बातें इस स्टोरी में लिखी हुई है. और पहले जो है इस तरह की स्टोरी संस्कृत में बहुत सारी हुआ करती थी, और नाउ इट इज ऑल्सो बिकॉज इन योर बुक ना दिस टाइप ऑफ स्टोरी फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स सो मेनी टेकन फ्रॉम द विष्णु शर्मास पंचतंत्रम. पंचतंत्र का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस बुक है. उनके रचयिता कौन है? पंचतंत्र के द राइटर ऑफ पंचतंत्र इज विष्णु शर्मा. यू हैव टू लर्न दिस वन, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग. पंचतंत्र नामक बहुत फेमस पुस्तक है. पंचतंत्र जो है डायरेक्टर है रचयिता का, स्पेलिंग भी आप लोग देखो ऐसे होता है. रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा. विष्णु शर्मा ये आप लोगों को याद रखना चाहिए. हाँ, तो उसमें वो पंचतंत्र 5 पुस्तक है, उसमें 5 उन्होंने लिखा है. सभी में जीव जंतु और जानवरों की कहानियां हैं, जो बड़ा ही रोचक है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. और एक खत्म करने के बाद जो है द पर्सन लाइक टू नो कि व्हाट हैपेंड अहेड, इसके बाद आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, इस तरह की कहानियां हैं. एंड दिस वन इज आल्सो टेकन फ्रॉम द जातक टेल्स, यू कैन से जातक टेल्स और पंचतंत्रा और द हितोपदेश. इन एवरी बुक एनिमल्स आर द कैरेक्टर थ्रू विच डिफरेंट टेल्स हैव बीन इमेजिनेटिवली रिटेन. आप ऊपर में जो है ना, ये यहाँ से यहाँ इंग्लिश में, इसको आप लोग मस्ट रीड कीजिए. इसको रीड करने से इसमें से भी एक दो क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के रचयिता, हु इज द राइटर ऑफ पंचतंत्र, ऐसे पूछा जाएगा. तो ये कहाँ से, ये स्टोरी में नहीं मिलेगा, ये जब आप ये ऊपर का पढ़ोगे, दिस वन, दिस, ये चीज आप अगर पढ़ते हो इंग्लिश वाला, तो इसमें से एक दो क्वेश्चन निकल जाते हैं. यहाँ पे क्या है, वन सच फेबल इज प्रेजेंटेड हियर, वैसी ही कथा जो है जंतुओं की, जानवरों की, पक्षी की कथा जो है यहाँ आपको प्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है. अ बर्ड कॉल्ड द चातक, चातक नाम का पक्षी है, चातक का अ बेबी ऑफ चातक, चातक नाम है, कोई नाम का चिड़िया है. ड्रिंक्स ओनली रेन वाटर, इस स्टोरी में क्या है, बेबी चातक मतलब चातक बर्ड जो है, दे आर ड्रिंकिंग ओनली द रेन वाटर. इट इज देयर, दिस इज देयर ट्रेडिशन ऑफ देयर फैमिली, ये उनके फैमिली का ट्रेडिशन बन गया है. सभी जो है यही मेघ जब वर्षा होती है तभी पानी पीते हैं, अदरवाइज नहीं. पॉन्ड का और रिवर का
they cannot drink. It is not this tradition, it is not the behavior in his family. ये इस तरह की behavior उनके family में नहीं देखी जाती है. तब इस स्टोरी में और आगे क्या है कि एक चातक शिशु होता है, छोटी सी बर्ड होती है, उसको प्यास लग जाती है. ही वॉज सो थर्स्टी सी एंड ही वॉन्ट टू ड्रिंक द वॉटर. उसको पानी पीना है, वो पानी से व्याकुल, प्यास से व्याकुल है उसको, बहुत सी वॉज सो थर्स्टी एंड सी वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर राइट नाउ. वो कभी कभी उसको पानी पीना है. कभी कभी होता है ना, बहुत ज़्यादा ही प्यास लगती है, तो उसी तरह की स्थिति है उसकी. तब वो अपनी मम्मी के पास जाता है और बोलता है कि आई हैव टू गो टू द नियर बाई पॉन्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर. तो उसकी मम्मा मना करती है, चातक जो बर्ड होती है वो मना करती है और वो समझाती है उसको कि नॉट टू गो, वी हैव नॉट टू गो अनदर पॉन्ड और लेक बिकॉज इट इज नॉट आवर ट्रेडिशन, आवर ओनली आवर ट्रेडिशन टू ड्रिंक द क्लाउड्स वाटर. जब बारिश होगी तभी हम लोग पानी पी सकते हैं. देन व्हाट हैपेंड, वो मम्मा की बात नहीं सुनता है और चला जाता है, निकल पड़ता है. बट ऑन द वे ऑफ रिवर और लेक वेर एवर ही गोज ही हर्ड ही रेस्ट फॉर सम वाइल. वो कुछ समय के लिए रेस्ट करता है एक झोपड़ी के पास. वहाँ वो सुनता है कि पिता और पुत्र के बीच में बातचीत हो रही है. वो पुत्र बोलता है कि फादर आई सॉ अ बैग फुल ऑफ मनी ऑन द पार्क बट आई डोंट टच देम. आई थ्रो दैट बैग विच इज़ फुल ऑफ मनी बिकॉज इट इज़ नॉट यू सेड मी यू दैट इट इज़ नॉट माई आवर ट्रेडिशन. ये हमारे घर का ये ट्रेडिशन नहीं है कि दूसरे का दिया हुआ फेंका हुआ जो है वो ले लें पैसा, तो इसलिए हमने नहीं लिया. तो ये जब सुनता है वो लिटिल बर्ड द चातक शिशु, देन ही वो जो है उसको बुद्धि आ जाती है और वो उल्टे पांव लौट आता है, पानी नहीं पीता है. एंड देन ही सेड टू हिज ही सेड टू हिज हर मदर दैट यू नो आई एम नॉट ड्रिंक द लेक्स वाटर, आई एम ओनली ड्रिंक द क्लाउड्स वाटर बिकॉज इट इज आवर ट्रेडिशन एंड आई टेक केयर ऑफ आवर ट्रेडिशन. अपने घर की कुल की मर्यादा की रक्षा करूँगा. तो जो भी हमारे घर के ट्रेडिशन होते हैं, मान लो ट्रेडिशन का मतलब समझते हो ना, जैसे आप लोग जानते हो नवरात्रि में आप लोग पहनते हो ट्रेडिशनल ड्रेस, हाँ. तो जो पारंपरिक परंपरा चली आ रही है कि ये गरबा जब खेल वो करना है तो वही ड्रेस पहनना है, तो इसलिए उसको बोला गया ट्रेडिशन ड्रेस. कभी कभी होता है कि जैसे होली है, दिवाली है, तो किसी के घर में गुजिया बनेगी, किसी के घर में मालपुए बनेंगे, तो ये एक ट्रेडिशन बन जाता है कि ये हमारे घर में तो आज के दिन ये बनता है, हमारे घर में तो आज के दिन ये पहनते हैं, पहनावा ओढ़ावा खाना पीना सब कुछ का वो ट्रेडिशन बन जाता है. तो लाइक दैट अंडरस्टूड, जो रीति रिवाज जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते आ रहे हैं फ्रॉम माई आवर गॉड फादर, जो हमारे पूर्वजों ने किया है और जो रीति रिवाज है पहनने ओढ़ने और खाने पीने हर चीज़ में, तो वो हमें फॉलो करना ही चाहिए. फॉलो दे फॉर प्रोटेक्ट आवर ट्रेडिशन ऑफ फैमिली. समझ गए, जैसे कि आप रह रहे हो किसी गांव में और बड़े हो गए और जॉब मिल गया आपको, कहीं फॉरेन चले गए, तो आप फॉरेन के कल्चर में आपको नहीं हो जाए उड़ जाना है, क्योंकि आपको याद आती है कि हमारे घर पे दिवाली बन रही है, आज के दिन हमारे घर पे होली बन रही, तो थोड़ा सा भी रीति रिवाज उस रोज भले ही फॉरेन में हो पर उसको व्यक्ति करते हैं. हु वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ हिज ट्रेडिशन एंड एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ देयर फैमिली. ओके, so let's start. Before starting the lesson I will take here some word meaning, so please you write down in your notebook first. आचारः, वही अभी मैंने जो बताया behavior, आचार मतलब व्यवहार behavior, and कुलस्य कुल का, कुल मतलब परिवार होता है, तो कुलस्य families.
हैं। तो यही है ट्रेडिशन ऑफ आवर फैमिली। अब प्लस आचारा का एक मीनिंग हो गया जो ट्रेडिशन चली आ रही है, जो हमारे व्यवहार होते आ रहे हैं घर में पूर्वजों के द्वारा। तो प्लस आचारा का क्या मीनिंग निकला? द ट्रेडिशन ऑफ आवर फैमिली, फैमिलीज बिहेवियर। त्रिशा, त्रिशा बोलते हैं प्यास को, थर्स्ट। और इसका संस्कृत मीनिंग क्या है त्रिशा का? त्रिशा का अगर आ जाता है पर्यायवाची लिखने, सिनोनियम्स लिखने, तो आप क्या लिखोगे? पिपाशा। इसे भी साइड में लिख लो, पिपाशा। जननी, मदर। और जननी को और क्या बोलते हैं? माता। वृष्टि, रेन। बारिश, वर्षा। वर्षा आप लोग लिख सकते हो, ये सब तो आता ही हल्का है। शतम, हंड्रेड। शतम मीन्स हंड्रेड, इसको शतम बोलते हैं। पानम, ड्रिंक। पानम, ड्रिंक। महती, वेरी मच, बहुत ज्यादा। महती मतलब वेरी मच, बहुत ज्यादा। संप्रति, एट प्रेजेंट, आजकल। आजकल बोलते हैं आजकल क्या हो रहा है, संप्रति तुम क्यों करोगी, आजकल तुम क्या कर रहे हो, वैसे संप्रति तुम क्यों करोसी, करोसी बोलते हैं, करोती भी कहीं कहीं यूज कर देते हैं, बट ऐसे तो मध्यम पुरुष के अनुसार करोसी वर्ड यूज किया जाना चाहिए। संप्रति का मतलब एट प्रेजेंट, नाउ अ डेज, अभी आजकल। परिश्रांत, वन हु बिकम टायर्ड, बहुत थका हुआ व्यक्ति है, परिश्रांत व्यक्ति है, टायर्ड है वेरी, हाँ, डेडली टायर्ड। वन हु इज टायर्ड, परिश्रांत, वन हु इज टायर्ड। अब यहाँ पे कुछ जो है प्रोनाउंस हैं, अगर आप लोग शब्दरूप याद किए होंगे तो ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। अस्मत् शब्द का शब्दरूप याद करते हैं, जैसे अहम, आवाम, अहम चलता है रूप, तो माम टू मी, मे टू मी, मया बाई मी, तेन। अब आप याद करोगे सह रूप याद करोगे तो सह तौ ते तौ तौ तान तेन सेकेंड में आया। और चिन्ह उसका जो साइन क्या होता है, साइन एक रोज मैं समझाऊंगी। तो साइन जो है आप लोगों को आता भी होगा, नाउ यू आर इन नाइन्थ क्लास, इफ यू डोंट नो देन आई टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो और आफ्टर द नेक्स्ट। सो देन मतलब बाय हिम, उनके द्वारा। बाय जो है वो थर्ड केस का साइन है। जब भी शब्द रूप आप लोग याद करो तो उंगली पे ऐसे याद करो, इससे कैसे तुरंत पता चला गया? सह तव ते तम तव तान तेन, थर्ड का एक वचन का ये रूप है। तो ये बाई वहां से चिन्ह लग गया कि थर्ड केस में चिन्ह उसका साइन क्या है, बाई है, से है, और तो है ही सब हो रहे, तो उनके द्वारा, उसके द्वारा। त्वया, बाय यू, तस्य, टू हर, एव का मतलब ही होता है, कहीं पे लगाते हैं ना, बारिश की, तो वर्षा एव भवती, बारिश की होती है, वर्षा एव भवती, तो ये वहाँ पे एव का मतलब होता है ही, ओनली, इति मतलब दस, इंग्लिश में तथा मतलब देन, तब, सम्यक, इन अ गुड मैनर, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, इन अ गुड मैनर, और तथा का मतलब तब होता है देन। ठीक है, इतने वर्ड आप लोग नोट कीजिए। हो गया, आई होप यू नोट डाउन इन योर नोटबुक। सो टेक योर बुक एंड सी इन योर बुक विच आई एम टीचिंग यू, यू सी इन योर बुक एंड मेक द मीनिंग, आप उसको मीनिंग लगाइए, और मैं बता रही हूँ वहां से सीखिए वीडियो देख करके। ठीक है, एक
इतना चातक शिशु आसीत। अब इसमें क्या मीनिंग नहीं आ रहा है वो देखना है, फिर यहाँ से सर्च करना है और मीनिंग अपने आप लगता जाएगा। एकम चातक शिशु आसीत, आसीत का मतलब जानते हो ना, था, वॉज। देयर वॉज अ बर्ड एंड बेबी बर्ड, शिशु लगा हुआ है तो बेबी, चातक शिशु, बेबी बर्ड चातक। स एकदा त्रिशया पीड़ितः जनन्याः समीपं व्रजति वदति च। स एकदा, एक बार, वंस, व्रजति मैंने लिखा है, व्रजति नहीं लिखा है, व्रजति का मतलब है गच्छति, व्रजति का मीन्स है गच्छति, अगर नहीं आता है तो इसे भी नोट कर दो, व्रजति गच्छति। वो एक बार जाता है त्रिशया सा एकदा त्रिशया पीड़िता। अब ऐसे लगाओ कि वह एक बार जाता है, कहाँ जाता है तो जनन्या समीपम, अपनी मम्मा के पास। त्रिश, अब वो कैसा है तो त्रिशा पीड़ित है, मतलब प्यास से व्याकुल है। ही वॉज सो थर्स्टी, वंस ही गोज टू, गोज नियर हिज मदर, वंस बिकमिंग सो थर्स्टी, वो बहुत प्यासा होते हुए अपनी मम्मी के पास जाता है। वंस बिकमिंग सो थर्स्टी ही वेंट गोज टू नियर हिज मदर, अपने मम्मी के पास जाता है एंड से, अम्ब त्रिशा माम पीड़यति, अम्ब मतलब मम्मा, मॉम, सो आई एम सो थर्स्टी, अपनी मम्मी से जाके बोलता है कि मैं बहुत प्यासा हूँ। अहम जलम पातुम इच्छामि, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, पातुम मतलब पीने के लिए, पातुम जहाँ तुम, यहाँ पे प्रत्यय लग गया, जहाँ पातुम है तू है वहाँ पे नोट डाउन कर लो पेंसिल से, तुमुन प्रत्यय आता है उसका मतलब हो जाता है के लिए, को। अहम जलम पातुम इच्छामि, इच्छामि मतलब है अहम के लिए आ गया, उत्तम पुरुष में इच्छामि एक वचन में, तो दैट्स व्हाई आई वॉन्ट टू ड्रिंकिंग, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। संप्रति मेघ जलम न मिलति, अतः तडाग जलमेव पातुम इच्छामि। संप्रति मतलब आजकल, नाउडेज, संप्रति मतलब आजकल, नाउडेज, आई एम रिटन हियर, एंड मेघ जलम न मिलति, द संप्रति वी डू नॉट फाइंड द क्लाउड्स वाटर, अतः तडाग जलमेव पातुम इच्छामि, सो आई वॉन्ट टू ड्रिंक द वॉटर ऑफ लेक, इसीलिए मैं तालाब का ही जल पीना चाहता हूँ। बिकॉज वाई, बिकॉज ही वॉज सो थर्स्टी, बहुत ही प्यासा था। जननी वदति, बाल, जननी वदति मॉम, रिप्लाइड मॉम स्पीक्स, बाल वयम तो मेघ जलम एव पिबामः, तडाग जलम न पिबामः। कि चाइल्ड, वी हैव टू ड्रिंक ओनली द वॉटर ऑफ क्लाउड, सो वी हैव नॉट ड्रिंक तडाग जलम न पीवामः, तो हम लोगों को तडाग का जल, सरोवर का जल, लेक का जल नहीं पीना चाहिए। सो वी शुड नॉट, वी शुड हैव नॉट ड्रिंक द वॉटर ऑफ लेक, हम लोगों को जल नहीं पीना चाहिए तडाग का। ऐसा अस्माकं कुलस्य आचारः, दिस इज आवर फैमिलीज ट्रेडिशन, दिस इज आवर, हमारी फैमिली के जो है बिहेवियर चलते आ रहे हैं, सो यू कैन से हियर कुलस्य आचारः मींस दिस इज आवर ट्रेडिशन ऑफ फैमिली, हमारे फैमिली का ट्रेडिशन बना हुआ है, रीति, ये रीति चली आ रही है। अतः तुम तडाग जलम पातुम न शक्नोसि, so that's why you do, you cannot drink the water of lake, इसलिए तुम तालाब का जल, तालाब का जल नहीं पी सकते हो। इति, सकनोसी है इसलिए कैन वर्ड आएगा, उसमें सकना वर्ड आ जाता है, इति मतलब ऐसा।
जहाँ तक अंडरस्टूड ना ना एक पैरा ये समझ में आ गया, आई होप यू अंडरस्टूड। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू सी इन योर बुक, बुक में देखने से आप लोगों को जल्दी मीनिंग लगेगा। एक चातक शिशु आसीत, देयर वॉज अ बेबी बर्ड नेम्ड चातक। स एकदा मतलब वंस ही तृष्णा पीड़ित, ही वॉज सो थर्स्टी एंड गो नियर टू हिज मदर एंड सेड, मॉम आई एम सो थर्स्टी। सी तृष्णा माँ पीड़यती मतलब प्यास जो है, प्यास से मैं व्याकुल हूँ, प्यास मुझे पीड़ा दे रही है, यानी प्यास से व्याकुल होना बोलते हैं। सो आई एम सो थर्स्टी, अहम जलम पातुम इच्छामि, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। पातु मतलब पीने के लिए, और संप्रति मेघ जलम न मिलते। नाउ अ डेज वी डू नॉट फाइंड द क्लाउड्स वाटर, अतः तडाग जलमेव पातु इच्छामि, सो आई वॉन्ट टू ड्रिंक द वाटर ऑफ लेक। जननी वदति, मॉम सेज बाल वयम टू मेघ जलम एव पिबामः, कि ओ सन ओ चाइल्ड वी हैव टू ड्रिंक ओनली द क्लाउड्स वाटर, तडाग जलम न पिबामः, सो वी शुड नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ लेक। एष अस्माकं कुलस्य आचारः, दिस इज आवर फैमिलीज ट्रेडिशन, अतः त्वं तडाग जलं पातुं न शक्नोसि, दैट्स व्हाई यू डू नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ लेक इति। चातक शिशु कथयति, अब महती में तृषा, चातक शिशु देन द बेबी चातक सेज मॉम आई एम वेरी थर्स्टी, महती मैत्री सा मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। हाँ कभी कभी बोलते हो ना कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो वही महती मैत्री सा, महती मतलब बहुत ज़्यादा, आई हैव ग्रेट थर्स्ट, मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि, सो नाउ वी सो नाउ आई एम नॉट सीइंग इन द स्काई एनी क्लाउड, अभी मैं आकाश में क्लाउड को नहीं देख पा रहा हूँ। कदा मेघ वर्षिष्यति लिट लकार का रूप आ गया, विल का रूप आ गया। कदा मेघ वर्षिष्यति, व्हेन विल इट रेन्स, कब बारिश होगी, क्योंकि आकाश में तो अभी मैं मेघ नहीं देख रहा हूँ, बादल नहीं देख रहा हूँ, तो कब बारिश होगी। कदा च अहम मेघ जलम पातुं शक्नोमि, एंड व्हेन वी कैन ड्रिंक द वाटर ऑफ लेक, सो व्हेन वी कुड ड्रिंक द वाटर ऑफ लेक इति न जानामि, आई डोंट नो, वो बोल रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ। कि नाउ वी कैन नॉट सी द एनी क्लाउड इन स्काई, सो आई डोंट नो व्हेन वी कुड ड्रिंक द वाटर ऑफ लेक, अतः लेक नॉट दैट क्लाउड, मतलब नहीं जानता हूँ कि कब, अभी तो बादल दिख नहीं रहे, तो मुझे नहीं पता कि कब मैं पी पाऊँगा ये पानी। अतः तृषया पीड़ितो अहम तडाग जलम पातुं गच्छामि, सो बिकमिंग सो थर्स्टी आई एम गोइंग टू ड्रिंक द वाटर ऑफ लेक, तृषा से इतना पीड़ित हूँ कि मैं तो चला अब तडाग का जल पीने, सरोवर का जल पीने। जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति, ये समझ में आया ना, ये दो तीन लाइन जो है, वंस मोर बताओ। चातक शिशु कथयति, फिर चातक शिशु जब ऊपर के पैराग्राफ में था कि बच्चा बहुत थर्स्टी है, वो अपने मम्मी के पास आता है और बोलता है कि मुझे पानी पीना है, मैं प्यासा हूँ, तो मॉम बोलती है कि नहीं ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है, दिस इज नॉट माई ट्रेडिशन, एंड देन आफ्टर द
वो उनको उसको समझाती है कि नो इट इज नॉट आवर ट्रेडिशन ऑफ आवर फैमिली, वी हैव टू ओनली ड्रिंक द वाटर ऑफ क्लाउड, नॉट द ड्रिंक द वाटर ऑफ डीप और पॉन्ड. सो इन सेकेंड स्टैंजा चातक शिशु कहती है थी, देन वो रिप्लाई करता है बेबी चाइल्ड बेबी बर्ड दैट मॉम आई हैव वेरी थर्स्टी, आई एम वेरी थर्स्टी एंड नाउ इन स्काई आई कैन नॉट सी द एनी क्लाउड, सो आई डोंट नो वेन वी शुड हैव टू ड्रिंक द वाटर ऑफ क्लाउड. अतः त्रिशया पीड़ितो अहम तड़ाव जलम पातुम गच्छामि, सो बिकमिंग थर्स्टी आई एम गोइंग टू ड्रिंक द वाटर ऑफ लेक, मैं तो जा रहा हूँ तड़ाव जल तलाक का सरोवर का पानी पीने. जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति एंड द मदर अगेन इंस्ट्रक्ट टू हर चाइल्ड बाल न अयम अस्माकं कुलाचार, सो सन इट इज नॉट आवर फैमिलीज ट्रेडिशन, इट इज नॉट आवर ट्रेडिशन, अपने फैमिली का ये व्यवहार नहीं है. कुलाचार सदैव रक्षितव्य एंड द ट्रेडिशन जो ऑफ फैमिली ऑलवेज प्रोटेक्ट अस, ये मतलब ही होता है तो वो रक्षा ही करता है. इसका कहने का मतलब है कि कुलाचार सदैव रक्षितव्य एव, कुलाचार जो हमारे फैमिली के आचार हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो हमेशा हमारी रक्षा ही करते हैं. तो ये कि द ट्रेडिशन ऑफ आवर फैमिली ओनली प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें रक्षा ही करते हैं. अतः तुम तराग जलम पातुम न अर्हसि, सो यू तुम तराग जल को नहीं पी सकते, सो यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ लेक. त्रिशया सहनम कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम अर्हसि त्वम, अब उसको बोल रही है कि यू ये त्रिशया प्यास का सहन करो, तुम थोड़े दिन रुको और मेघ का प्रतीक्षा करते हुए तुमको रहना चाहिए. सो यू हैव टू वेट फॉर द रेन वाटर एंड यू सो यू हैव टू वेट फॉर द रेन वाटर, तुमको प्रतीक्षा करनी चाहिए. यू शुड हैव टू वेट फॉर रेन वाटर. जनन्या कथनम अश्रुत्वा चातक शिशु तड़ाग जलम पातुम तड़ागम गंतुम निर्गच्छति. उसके बाद जननी के कथन को, जनन्या कथनम जननी के अपनी मम्मी के बातों को अश्रुत्वा अनसुना करते हुए चातक शिशु तड़ाग जलम पातुम तड़ागम गंतुम निर्गच्छति, तो तड़ाग के जल को सरोवर के जल को पीने के लिए वो तड़ाग के लिए निकल पड़ता है. तो बाय नॉट हियरिंग द वर्ड ऑफ हिज मदर ही वेंट फॉर ड्रिंकिंग द ही वेंट फॉर लेक बिकॉज ही वॉज सो थर्स्टी फॉर ड्रिंकिंग द वॉटर. मार्गे परिश्रांत स सदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति, मार्गे परिश्रांत मार्ग में वो जब जा रहा था ऑन द वे बिकमिंग सो टायर्ड स ही व्हेन ही वेट समटाइम्स व्हेन ही टेक रेस्ट समटाइम्स नियर अ ओल्ड फार्मर near the old farmer's house. Then tat putrayo vartalapam srunoti. Then he heard the conversation which are going between the father and the son. जब वो जा रहा था मार्ग में वो मम्मी की बातों को नहीं सुना, इतना प्यासा था उसे सहन नहीं हो रही थी प्यास, वो निकल गया तड़ाग की तरफ.
उसके बाद जब वो थक गया, तनाव थोड़ी दूर होगा क्योंकि वो बच्चा था ना, छोटी चिड़िया थी, तो वो एक झोपड़ी जो एक वो किसान का घर था वहाँ पे वो रेस्ट के लिए रुका। ही सेट फॉर अ वाइल बिकॉज ही वॉज सो टायर्ड एंड ही हर्ड देन ही हर्ड दैट हाउस वॉज फार्मर्स ओल्ड फार्मर्स एंड देन ही हर्ड द कन्वर्सेशन विच आर गोइंग बिटवीन द फादर एंड द सन। विश्वविद्या मरना सन्ना चाहित और जहाँ पे वो रुका था वो किसान जो है फार्मर वो कैसा था वो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि अगले फिर इसमें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए स्टे होम।